आपने नोकिया 6 को हार्ड रीसेट किस तरीके से करना है, और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सब मॉडल है, ये नोकिया 6 का मॉडल है, और इसको आपने जब भी हार्ड रीसेट करना है तो इसको वॉल्यूम डाउन और पावर की का आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपने इसको प्रेस कर देना है, सबसे पहले वॉल्यूम अप और फिर डाउन, और ये जब थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, जब ये नोकिया का डिस्प्ले आ जाए तो आप इसके दोनों बटनों को प्रेस करके आपने रखना है। तो इसमें हमने देखना है कि इसको हार्ड रीसेट कैसे किया जाए, लेकिन ये हार्ड रीसेट नहीं हुआ, हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं अब इसका। तो आपने ऐसे करना है कि चार्जिंग की केबल लगा देनी है, चार्जिंग की केबल लगा के आपने वॉल्यूम अप और फिर वॉल्यूम पावर बटन का इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने वॉल्यूम अप किया और पावर बटन का दबाया और थोड़ी देर वेट करना है। देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है और आपने प्रेस करके रखने हैं ये दोनों बटनों को, और ये चार्जिंग केबल के साथ ही हार्ड रीसेट पे आएगा, वैसे नहीं। आप देख सकते हैं कि ये हार्ड रीसेट पे आ चुका है, ये एंड्रॉयड रिकवरी मोड आपके सामने शो हो रहा है। अब हम रिकवरी पे जाके आपको मैं ये दिखाता हूँ, इसका मॉडल देख लें आप, TA1021, ये मॉडल पाकिस्तान में चलता है। अब आपने इसका वेब डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आपने इसको क्लिक करना है और पावर बटन से ये सिलेक्ट होता है, आप इसको यस कर दिए। यस करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर में हार्ड रीसेट हो जाएगा। तो थोड़ी देर इंतज़ार करें, आपको हम इसका प्रॉपर मेथड बताते हैं कि आपने इसके साथ क्या क्या करना है, और उसके बाद आप देखें हम इसको रीबूट करने वाले हैं। रीबूट करेंगे तो ये फिर थोड़ा सा टाइम लेगा और ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद हमने इसको एक्टिव करना है। आप एक्टिव करने का तरीका ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि ये एक्टिव किस तरीके से होता है, और थोड़ा सा ये टाइम लगेगा और ये जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा। और अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो हमें इसका FRP अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टमर ने हमें दिया है तो उसको पैटर्न भी नहीं याद और वो ID भी इसका भूल चुका है। तो हो सकता है कि इसके बाद ये हमसे ID मांगे, अगर ये ID मांगेगा तो फिर हमें इसके ID को अनलॉक करना पड़ेगा, यानी कि FRP अनलॉक करना पड़ेगा। तो अगर तो ऐसा हुआ तो फिर मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इसको हमने FRP इसका अनलॉक किस तरीके से किया है। तो आप ज़रूर देखें कि हमने इसको किस तरीके से अनलॉक करते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो होगी। तो इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से FRP अनलॉक किया जाएगा। तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी नेक्स्ट वीडियो FRP अनलॉक पे आएगी कि नहीं। अब हम इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको हम यस करते हैं। अब यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको स्किप करवाते हैं। अब देखते हैं कि FRP मांगता है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आया, वाईफाई कनेक्ट का आया, तो ये FRP है।